हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वाईबी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा पाठ से रिलेटेड वर्ड अंग्रेजी और हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा पूजा। पूजा को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप, वर्शिप। नेक्स्ट है कलश। कलश को इंग्लिश में कहते हैं अर्न, अर्न। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पूजा की थाली। पूजा की थाली को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप प्लेट, वर्शिप प्लेट। नेक्स्ट है मूर्ति। मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं आइडल स्टैच्यू, आइडल स्टैच्यू। नेक्स्ट वर्ड है मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक को इंग्लिश में कहते हैं अर्दन लैम्प, अर्दन लैम्प। नेक्स्ट वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक। से जोश स्टिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है शंख। शंख को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्च, कॉन्च। इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इसे कॉन्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है पीतल की घंटी। पीतल की घंटी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास बेल, ब्रास बेल। नेक्स्ट है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं सैंडलवुड, सैंडलवुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पान का पत्ता। पान के पत्ते को इंग्लिश में कहते हैं बेटल लीफ, बेटल लीफ। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते को इंग्लिश में कहते हैं बेसिल लीव्स, बेसिल लीव्स। नेक्स्ट है आम के पत्ते। आम के पत्तों को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो लीव्स, मैंगो लीव्स। नेक्स्ट है फूल। फूल की इंग्लिश होते हैं फ्लावर, फ्लावर। नेक्स्ट है सुपारी। सुपारी को इंग्लिश में कहते हैं बेटल नट, बेटल नट। नेक्स्ट है नारियल। नारियल को इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट, कोकोनट। नेक्स्ट है रुई की बाती। रुई की बाती को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन विक, कॉटन विक। नेक्स्ट है जप माला। जप माला को इंग्लिश में कहते हैं रोजरी, रोजरी। नेक्स्ट है दही। दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड, कर्ड। नेक्स्ट है घी। घी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लेरिफाइड बटर, क्लेरिफाइड बटर। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन, वर्मिलियन। नेक्स्ट है मेहंदी। मेहंदी को इंग्लिश में कहते हैं हिना, हिना। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी को इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक, टर्मरिक। नेक्स्ट है कपूर। कपूर को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, कैम्फर। नेक्स्ट है लौंग। लौंग को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव, क्लोव। नेक्स्ट है माला। माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड, गार्लैंड। नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में कहते हैं ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स। नेक्स्ट है गंगाजल। गंगाजल को इंग्लिश में कहते हैं हॉली वाटर, हॉली वाटर। नेक्स्ट है गोबर। गोबर को इंग्लिश में बोलते हैं काउडंग, काउडंग। नेक्स्ट है कंडा या उपला। कंडा या उपला को इंग्लिश में कहते हैं काउडंग केक, काउडंग केक। नेक्स्ट है देवी। देवी को इंग्लिश में बोलते हैं गॉडेस, गॉडेस। नेक्स्ट है भगवान। भगवान को इंग्लिश में कहते हैं गॉड, गॉड।
ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट है देवी देवता। देवी देवता को इंग्लिश में कहते हैं डेटी, डेटी। नेक्स्ट है भक्त। भक्त को इंग्लिश में कहते हैं डेवोटी, डेवोटी। नेक्स्ट है पुजारी। पुजारी को इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट, प्रीस्ट। नेक्स्ट है आस्था। आस्था को इंग्लिश में कहते हैं फेथ, फेथ। नेक्स्ट है डमरू। डमरू को इंग्लिश में कहते हैं हैंड ड्रम, हैंड ड्रम। नेक्स्ट है गधा। गधे को इंग्लिश में कहते हैं मेष, मेष। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लूट, फ्लूट। नेक्स्ट है त्रिशूल। त्रिशूल को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइडेंट, ट्राइडेंट। नेक्स्ट है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस टाइम। नेक्स्ट है यज्ञ। यज्ञ को इंग्लिश में कहते हैं याजना, याजना। नेक्स्ट है मंदिर। मंदिर को इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल, टेम्पल। नेक्स्ट है मस्जिद। मस्जिद को इंग्लिश में कहते हैं मस्क्यू, मस्क्यू। नेक्स्ट है गिरजाघर। गिरजाघर को इंग्लिश में कहते हैं चर्च, चर्च। नेक्स्ट है भजन। भजन को इंग्लिश में कहते हैं हिम, हिम। नेक्स्ट है मंत्र। मंत्र को इंग्लिश में कहते हैं चैंट, चैंट। नेक्स्ट है मुकुट। मुकुट को इंग्लिश में कहते हैं क्राउन, क्राउन। नेक्स्ट है उपवास या व्रत। उपवास या व्रत को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट, फास्ट। अब आप बताइए बांसुरी और त्रिशूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।